हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकवॉक। दोस्तों आज का टेक न्यूज़ बहुत ही अच्छा है, तो ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और आप नए मेहमान हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इस तरह का टेक न्यूज़ हम देते रहेंगे। और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक करिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम और फेसबुक में दोस्तों आप एक तरह का फीचर्स जोड़ दिया गया है, जिसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ भी तरह का कोई भी गलत बात कहेंगे तो कोई भी आपको यूज़र आपको रिपोर्ट कर सकता है। अगर वो उसका बात सही होगा और रिपोर्ट कर देगा दोस्तों, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। इस तरह की खबर आ रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हुआवे के। तो हुआवे दोस्तों गूगल मैप के जैसा अपना एक मैप लाने वाला है, जो बहुत ही सिक्योर, बहुत ही फास्ट होगा दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, बहुत सारी नोटिफिकेशन भी आएगी। तो इस तरह का कुछ मिल रहा आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइए। चलिए बात करते हैं दोस्तों फेसबुक की। तो फेसबुक में एक तरह का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें एक तरह का फीचर्स जोड़ा जाएगा। जैसे कोई भी मूवी वगैरह रिलीज़ होगा तो आपके लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ बताएगा कि कौन सा मूवी लगा और उसके शो टाइम क्या है, सारा कुछ आपको फेसबुक में पता चलेगा, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। चलिए बात करते हैं दोस्तों पेटीएम की। तो पेटीएम ने ये अपने सारे यूज़र से ये कहा है कि इंडीडेक्स नाम का जो ऐप है, उसके थ्रू अगर पेमेंट वगैरह करेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। पैसा वगैरह इधर से उधर होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी पेटीएम नहीं लेगा। इस तरह की कुछ खबर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं जियो टीवी की। अगर जियो टीवी ऐप अगर आप यूज़ करते हो दोस्तों, तो उसमें डार्क मोड आ गया है। अगर आपको मिला है कि नहीं, ज़रूर बताइए हमें कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जियो फ़ोन अब थोड़ा सस्ता हो गया दोस्तों। उसमें कुछ नहीं सस्ता हुआ है, जो 1500 में मिलता है उतना ही में मिल रहा है दोस्तों। लेकिन जो फर्स्ट टाइम रिचार्ज है वो फ्री कर दिया गया है। तो इस तरह की खबर आ रही है। पहले दोस्तों रिचार्ज के लिए पैसा देना पड़ता था 49 रुपीज़ का, अब नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ आ रही है दोस्तों, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। बात करते हैं एयरटेल की। दोस्तों जियो के गीगा फाइबर लॉन्च होते ही एयरटेल थोड़ा टेंशन में आ गया, और अपने डीटीएच प्लान को थोड़ा कम कर दिया गया, और एचडी प्लान को भी कम कर दिया गया है, और जो नेट है उसको भी थोड़ा कम कर दिया है। तो देखिए क्या होता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों ओप्पो रेनो की। तो मैंने बताया था कि 20x जूम वाला एक फ़ोन आने वाला है ओप्पो रेनो का बहुत ही जल्द। आप देखिए वो किस तरह का होगा और कैसा होगा दोस्तों। लेकिन ये भी खबर आ रहा है कि 28 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला है, इतनी जल्दी। उसका नाम ओप्पो रेनो 2 दोस्तों, ये 28 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। इस तरह के कुछ रूमर्स आ रही है, आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइए। और ये दोस्तों एक बात बता दे रहे हैं कि ये क्वाड कैमरा पे होगा, 4000 कैमरा पे होगा दोस्तों, और इसमें 20x जूम होगा। तो अब जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं वन प्लस की। तो वन प्लस की का 5G वाला जो फ़ोन है दोस्तों, वन प्लस 5G ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इस तरह के कुछ रूमर्स आ रही है, आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप शाओमी की। तो शाओमी का फोल्डेबल फोन जो है दोस्तों, उसकी कुछ पेटेंट आई, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रिपल रियर कैमरा पे ये लॉन्च होगा दोस्तों, और ज़्यादा उसकी कुछ नहीं है। ये बात करते हैं शाओमी का CC9 दोस्तों, स्टार डायमंड कट डिज़ाइन वाला कुछ केस वगैरह आया है, जो देखने में का कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। ये बॉक्स के साथ मिल रहा है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो चाइना में जाकर कर सकते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 8 की। तो Redmi Note 8 में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ क्वाड कैमरा दिख रहा है दोस्तों, जिसमें ISOCELL का 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा होने वाला है, लेंस होने वाला है दोस्तों। कुछ इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी आई है, आप देखिए जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं Xiaomi Mi A3 की। तो ट्रिपल रियर कैमरा पे दोस्तों ये 21 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, ये अमेज़न पे लॉन्च होगा, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और इसका टीज़र पेज वगैरह भी आ गया है अमेज़न में। ये भी बताया जा रहा है कि जो इसकी कीमत होगी 19,000 रुपये। तो इतने कीमत में अगर ऐसा फ़ोन अगर लॉन्च होगा दोस्तों, तो कोई नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 20 अगस्त को Realme लॉन्च होने वाला है, और जिसमें क्वाड कैमरा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अंडर 10K होगा। तो इस तरह की कुछ है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओके। तो वीवो का iQOO 5G वाला प्रो वाला जो कैमरा है दोस्तों, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 45 वाट का फास्ट चार्जिंग होगा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला वेरिएंट है दोस्तों, टीना में ये लिस्ट हो गया है, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं हुआवे के। तो हुआवे का मेट X नवंबर तक लॉन्च होने वाला है, ऐसे ही कुछ रूमर्स आ रही हैं। बात करते हैं मेट 30 प्रो दोस्तों, कहीं पर देखा गया है इसकी कुछ वाटरफॉल स्क्रीन करके कुछ आया है दोस्तों, कहीं पर देखा गया, कोई यूज़ करते हुए देखा गया है।
पीछे में गोल जैसा कैमरा का डिज़ाइन दिख रहा है और आपके बैक केस भी नज़र आ रहा है, तो ये देखिए आपकी ये किस तरह का होगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं हुआवी मेट 20 प्रो के, तो इसे नया अपडेट रिलीज़ हुआ, अगर आपके पास है तो जाइए करिए, आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, मैंने कुछ दिन पहले बताया था और अब ब्लू करके 10 प्लस का एक एडिशन आने वाला है, वो आ गया है दोस्तों, यूरोप में ये लिस्ट हो गया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और अब ब्लू। चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े खबर के, आज का टेक न्यूज़ का सबसे बड़ा जो खबर है, सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ का दोस्तों 8 फोन लॉन्च होने वाला है 2020 में, और जो स्टार्टिंग का 3 फोन जो होगा दोस्तों वो ट्रिपल रियर कैमरा पे होगा और बाकी जो होगा दोस्तों 4 रियर कैमरा पे होगा, जो डेप्थ सेंसिंग और टेलीफोटो लेंस के साथ होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि गैलेक्सी A21, A31, A41, A51, A61, A71, A81, A91 और जो A91 होगा दोस्तों उसमें 108 मेगापिक्सल का लेंस होने वाला है, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और दोस्तों A81 जो होगा दोस्तों उसमें 64 मेगापिक्सल का आइसोसेल वाला लेंस होगा सैमसंग का, तो इस तरह की कुछ रूमर्स आ रही है। अब देखिए जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल का आईफोन 11 दोस्तों 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, ऐसी कुछ रूमर्स आ रही है, देखिए ये कैसा होता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ISO 13 पे ये लॉन्च होगा दोस्तों, अब किस तरह का होगा वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। करते हैं रियलमी के, तो रियलमी 5 दोस्तों 10,000 से नीचे लॉन्च होने वाला है, ऐसा कुछ रूमर्स आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि इनके जो CEO है माधव सेठ इंडिया के, उन्होंने ट्वीट किया और ये बताया दोस्तों कि 48 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा दोस्तों जो लॉन्च होगा ये 10,000 से नीचे होगा, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर होने वाला है, 20 अगस्त को ये लॉन्च होगा। वाकई में दोस्तों अगर ये लॉन्च हो गया इस रेंज में दोस्तों 10,000 से नीचे, तो बाकी फ़ोन का क्या होगा, कौन खरीदेगा दोस्तों, अब बताइए। बात करते हैं दोस्तों Realme 5 Pro के, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, इसकी भी प्राइस कुछ इसी तरह होगी 15-16 हज़ार। आप देखिए जब ये होगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों Motorola की, तो Motorola One Zoom का जो नाम है दोस्तों Motorola One Pro होगा दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें क्वाड कैमरा होने वाला है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, अब जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। और दोस्तों एक रूमर्स ऐसी भी आ रही है कि Motorola One Zoom दोस्तों Alexa, Amazon Alexa के साथ आने वाला है, अब ये इस तरह का कुछ आएगा, लेकिन ये Android One पे नहीं होगा, अब ये कैसा होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब डील्स की, तो Nokia Z20 दोस्तों डबल स्क्रीन वाला जो फ़ोन है वो परचेस कर सकते हैं आप चाइना वगैरह में, यहाँ पर नहीं मिल रहा है लेकिन ये सेल पे आ गया है। वहीं दोस्तों रियलमी X, सैमसंग गैलेक्सी A50, K3, ओप्पो K3, इस तरह के जितने ही फ़ोन है दोस्तों इसके में भारी डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजन में, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं, अच्छा मौका है। वहीं दोस्तों सोनी का जो हेडफोन है दोस्तों 500 से नीचे में मिल रहा है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट में जाके। चलिए दोस्तों ये टेक न्यूज़ यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए और आप नए मेहमान हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, रेड को वाइट कर दीजिए और बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, तो इस तरह का टेक न्यूज़ आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।